गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब ठीक ठाक? माशाल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की सुबह हो चुकी है और मौसम माशाल्लाह क्लाउडी क्लाउडी है, इतना ज़्यादा ना तो बारिश ना कोई सर्दी ना गर्मी, ठीक है मौसम माशाल्लाह। तो जी आज हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा। मेरा फ़ोन नहीं काम कर रहा है और ना ही मेरे हस्बैंड का काम कर रहा है। दोनों के फ़ोन कल रात 8 बजे के बाद से बंद, एमरजेंसी कॉल्स ऑनली। तो अब सुबह उठी हूँ फिर से बंद, फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया, फिर जब उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो वो कहते तुम दोनों की सिम जो है वो बंद कर दी है। क्यों बंद की है? अब ये चलती हूँ मैं ई शॉप पे, अब जाने लगी हूँ वहां पे, जाके पूछते हैं क्या क्या हुआ है, क्योंकि हमारी पेमेंट तो कभी भी मिस नहीं हुई है, रेगुलर डायरेक्ट डेबिट निकलती है तो पेमेंट भी जाती है, हर चीज ठीक है। तो कहते हैं कि वहां पे जाओ ई पे और जाके नई सिम ले लो, तो आपको फ्री में सिम देंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन सिम क्यों बंद की है, वहां जाके बातचीत करती हूँ और देखती हूँ कि क्या हुआ ये सारा सिस्टम। थोड़ी सी प्रॉब्लम पहले भी थी, फोन चलते नहीं थे, इनके कॉल ड्रॉप होती थी या फिर इंटरनेट वगैरह, तो वो हमने कंप्लेन की थी। तो अब चल के देखते हैं ई पे क्या होता है। तो फ़ोन की सिम ऐड करते हैं जाके, क्योंकि फ़ोन मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ना मेरे हस्बैंड का। तो जी अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और जाने लगी हूँ ई शॉप पे, तो बस जा रही हूँ वहाँ पर, देखती हूँ क्या होता है। तो जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब ई शॉप, मेरे पास इधर नज़दीक ही है, कोस्टा से निकली, मैंने कहा नाश्ता बाद में खाते हैं यहाँ से, क्योंकि भूख लगना शुरू हो जाती है ना, चाय वगैरह पी लेते होते हैं। लेकिन मैंने आज चाय वगैरह यहाँ पे नहीं पी, घर से ही मैंने खा लिया था, तो थोड़ा बहुत खा के तो अब यहाँ पे जा रही थी मैं ई की शॉप पे। तो भी जाते जाते यहाँ पे जी टेस्को पे हम रुक गए, टेस्को पे ये ड्रिंक की ऑफर लगी हुई थी, तो बेटा मेरा ये ड्रिंक बहुत शौक से पीता है, मैंने ये काफ़ी सारे ले लिए और बाकी चीज़ें भी यहाँ से ली हैं मैंने टेस्को से। तो बैग काफ़ी हैवी हो गया था क्योंकि भाग दौड़ लगी हुई थी, जल्दी जल्दी जाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से एक दो बैग ही बस लिए यहाँ से टेस्को से सामान अपना। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगी हुई है। ई का मैंने सॉर्टेड किया सिम वगैरह, तो वो माशाल्लाह मेरा फोन वापस वर्क होने लग गया और उन्होंने अपॉलोजी की है और मुझे सम कंपनसेशन भी दिया है, यानी कि बिल में से कुछ मनी जो है वो रिड्यूस कर देंगे, क्रेडिट कर दिया है। तो उसके बाद फिर मैं टेस्को आ गई, इधर पिज़्ज़ा लिया बेटे के लिए ग्रेग्स से, तो वो लेके अभी भाग रही हूँ घर। तो दो तीन चीज़ें सिर्फ टेस्को से ली हैं क्योंकि लंच का टाइम हो गया, उसे भूख लगी हुई है, तो भाग के जाके उसे खाना दूंगी और उसके बाद फिर से मुझे वापस आना पड़ेगा बाहर, क्योंकि मुझे और भी थोड़े से काम करने हैं, तो वो करने हैं अभी, क्योंकि उसको भूख लगी है। तो पहले मैंने सोचा मैं घर जाके उसको खाना दे दूं और उसके बाद फिर बाकी के सारे काम करती हूँ। तो गाइज अभी बस घर आए थे, आके खाना खाया, फ्रेश हुए, तो फिर से मुझे जाना पड़ रहा है। और ये मेरा मंकी कह रहा है मुझे साथ में लेके चलो, तो साथ में जाके इसने वहाँ से खाने चिप्स एंड चटनी, तो कह रहा है मुझे गाड़ी में बिठा के ही चाय खिला दो, मुझे साथ में लेके चलो, मैं बोर हो गया हूँ घर बैठे बैठे। हालांकि 2-3 दिन से लगातार बाहर जा रहा है, आज इसका दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर अभी इसको लेके जा रही हूँ, 2-3 काम और रहते हैं वो करने के लिए जा रही हूँ। अभी हम यहाँ पे आए हैं गाड़ी वॉश करवाने के लिए, कार वॉश की जगह का एकदम से उसने पानी डाला गाड़ी पे, मैं तो डर गई। गाड़ी वॉश हो रही है यहाँ, देख सकते हैं यहाँ से मैं हमेशा गाड़ी वॉश करवाती हूँ। तो जी बेटा मेरा कह रहा है उसने खानी इंटरनेशनल चिपी से चिकन चिप्स एंड चटनी, तो यहाँ से वो खाएगा चिकन चिप्स एंड चटनी और मैं खाऊंगी KFC से विंग्स की ऑफर आई हुई है आजकल 6.99 मेरे ख्याल में 20 विंग्स हैं शायद, वो देखेंगे। यहाँ से मैं आई हूँ पिक करने के लिए पार्सल जो कि मैंने मिस कर दिया था,